वेलकम टू हॉटपॉट फूड्स यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। क्योंकि रमज़ान मुबारक का महीना बहुत करीब है, तो इसी सिलसिले में आपके लिए हम रमज़ान स्पेशल में रेसिपीज लेके आएंगे। आज हम अपने किचन में बनाए जा रहे हैं समोसा पट्टी और रोल पट्टी। 2 कप के बराबर मैदा लिया है। यहाँ पर मैंने रेगुलर जो कप होता है चाय वाला, इससे मैंने माप के लिए 2 कप मैदा। यहाँ पर 1 टीस्पून के बराबर मैं सॉल्ट इसके अंदर ऐड करूंगी। आप इसकी डो रेडी कर लेते हैं। साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट करती चलूँ, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बराबर में बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे आने वाली हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी। अभी इसको भूनना स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, आटे की तरह से इसकी डो रेडी कर लेंगे। जिस तरह नॉर्मल आटा गूंथते हैं उसी तरीके से इसकी भी डो होगी। ये समोसा पट्टी रोल पट्टी आप इजीली घर पर बना सकते हैं। इसके बाद इसके ऊपर ऑयल डालेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर, और इसको दोबारा से एक दफा इस तरीके से मस लेंगे। अब इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं रेस्ट पे। अब इसके पेड़े बना लेते हैं। इसको 2 हिस्सों में मैं डिवाइड कर लूंगी। साइज के पेड़े मैं उतार के रेडी कर लूंगी। इस तरीके से मैं बाकी भी रेडी कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने 10 पेड़े बना के रेडी किए हैं। तो एक रोटी में हम 5 लेयर्स रखेंगे। तो चलिए इसको बेलना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैदा डस्ट करेंगे। इस तरीके से इसकी रोटियां बेल के रेडी कर लेते हैं। ये हमने सारी रोटियां बेल के रेडी कर ली हैं। अब इसकी लेयरिंग स्टार्ट करते हैं। इसकी एक रोटी लेंगे, उसके ऊपर ऑयल का ब्रश करेंगे इस तरीके से, सारा किनारों तक लगाएंगे। मैदा इस तरीके से डस्ट करेंगे थोड़ा सा। इसके ऊपर दूसरी रोटी रखेंगे इस तरीके से। मैदा डस्ट करेंगे ऊपर। एक और रोटी रखेंगे। पांच रोटियों को इसी तरीके से ऊपर नीचे रख देंगे। मैदा डस्ट कर देंगे पहले, और पांचवी रोटी इसी तरीके से रखेंगे। इसके ऊपर कोई ऑयल नहीं लगाएंगे। तो मैदा लगा के एक बड़ी सी रोटी बेल लेंगे। और एक रोटी को लिया है, इसके ऊपर इस तरीके से मैदा डस्ट करेंगे, थोड़ा नीचे डालेंगे, फिर रोटी बेल लेंगे। यहाँ पर हम इसकी कटिंग करते हैं। इस तरीके से ये होगा, जो मैदा हमारा बच जाएगा वो वेस्ट नहीं होगा, उसको हम दोबारा से बेल लेंगे। अब इसको सेक लेते हैं तवे पे। तवे के ऊपर डाल देंगे। इसका कलर चेंज होगा तो इसकी साइड चेंज कर देंगे। इसकी हमने साइड चेंज कर लिया है। अभी दूसरी साइड पे 5 सेकंड के लिए दूध को सेक लेंगे। ये सिक गई है। अब इसको ये रोल पट्टी हमारी रेडी है। अब इसको उतार लेते हैं। ये देखें कितने इजीली उतर रही है, और आसानी से हमारा मैदा भी वेस्ट नहीं हुआ और ये उतर भी गई। ये देखिए, अब इसको एक कपड़े के नीचे रख लेंगे ताकि ये ड्राई नहीं हो। ये देखिए, सारी शीट्स को इस तरीके से अलग कर लेंगे। कितनी जबरदस्त सी शीट्स बनी है ये देखें। साइड से उतारा था, इसको हम दोबारा से बेलेंगे और दोबारा से इसी तरीके से रोटियां बेल के रेडी कर लेंगे। इसको भी इसी तरीके से बेल लेंगे। इसकी हम समोसा पट्टी रेडी करेंगे। वो हमने रोल पट्टी रेडी की है पहले।
यहाँ पर हमने ये भी रोटी बड़ी सी बेल ली है, अब इसकी कटिंग करते हैं। देखिए एक हमने काट लिए। तीनों को हमने काट लिया, अब इसको तवे पे सेक लेंगे, डाल देंगे और इसकी शेप को थोड़ा सेट कर लेंगे इस तरीके से। एक साइड से इस तरीके से सेक लेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता है। इसका कलर ऊपर से चेंज होगा, इसको टर्न कर देंगे। ये समोसा पट्टी सिक गई है, अभी इसको उतार लेते हैं। अभी इसको इस तरीके से उतार लेंगे, ये देखें कितनी जबरदस्त थी। लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही जबरदस्त थी हमारी समोसा पट्टी और रोल पट्टी, बहुत जबरदस्त थी बन के रेडी हुई है। देखें बिल्कुल बाजार की तरह है। और ये हमारी समोसा पट्टी है, ये देखें इस तरीके से हमारा मैदा भी ज़ाया नहीं हुआ है। और ये हमारी सारी समोसा पट्टी और रोल पट्टी बन के रेडी हैं। यहाँ पर हम एक फ्रीज़र बैग लेंगे और इसको इसके अंदर डाल देंगे। बना के आप इसको इजीली फ्रीज कर सकते हैं। इस तरीके से हमने इसके अंदर रख दिए और इसके ऊपर वाली साइड पे हम रखेंगे समोसा पट्टी। लीजिए अभी हम इसको फ्रीजर में रखते हैं, इसके बाद इसी पट्टी से आपको हम समोसे और रोल बनाना सिखाएंगे। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।